टेस्ला की एक गाड़ी आती है टेस्ला मॉडल एस, उसका एक प्रोटोटाइप वर्जन टेस्ला बनाता है और उसके अंदर वो उस गाड़ी की रेंज को एक्सटेंड कर देता है 1200 किलोमीटर। तो आप में से जितने लोग ईवी चलाते हैं वो जानते होंगे रेंज एंजाइटी किसे कहते हैं, कि जब गाड़ी की चार्जिंग खत्म होने वाली हो तो इंसान की एक आंख रहती है गाड़ी की चार्जिंग इंडिकेटर पे और दूसरी आंख रहती है डेस्टिनेशन पे, तो उसी चीज को बोला जाता है रेंज एंजाइटी। और आज की डेट में ईवी में यही रेस लगी हुई है कि किसकी रेंज कितनी ज्यादा। तो इस चीज को लेकर टेस्ला से हर किसी ने पूछा कि अरे भाई तुमने क्या कोई नया सेल यूज करा या फिर तुमने बैटरी कंपार्टमेंट का साइज बढ़ा दिया और ज्यादा सेल लगा दी। और इस पर टेस्ला कहता है कि ना तो मैंने सेल बदला, सेल वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो पहले वाले मॉडल में था, और ना ही बैटरी कंपार्टमेंट का साइज बढ़ाया। तो आखिर ये एक्सटेंडेड रेंज सेम कंपार्टमेंट साइज से और सेम सेल से कैसे मिल सकती है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी अमेजिंग फैक्ट के बारे में। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है, अभी के अभी कर दो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जब कभी भी हम एक ईवी की बैटरी की बात करते हैं तो वो बैटरी को दो चीजों में बांटा जाता है, एक होती है एनर्जी स्टोरेज और एक होता है पावर आउटपुट। फॉर एग्जांपल, एक बैटरी कितना ज्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है उससे तो डिसाइड होगा बैटरी एक पॉइंट से कितनी दूर दूसरे पॉइंट तक जा सकती है, मतलब कि उसका रेंज के 100 किलोमीटर चलेगी 200 किलोमीटर चलेगी, ये डिपेंड करेगा उसके एनर्जी स्टोरेज पे। और दूसरी चीज आती है पावर आउटपुट, कि गाड़ी की टॉप स्पीड क्या होगी। तो एक जो बैटरी होती है वो इन दो क्लासिफिकेशंस पे उसका खरा उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लिथियम होता है जो हम यूज करते हैं आमतौर पे बैटरी में, वो दोनों ही चीजों में अच्छा होता है। पहली चीज तो वो एनर्जी आउटपुट भी एक गाड़ी को अच्छा दे पाता है और उसी के साथ साथ उसकी जो एनर्जी स्टोरेज होती है वो भी काफी अच्छी होती है। और उसी के साथ साथ लिथियम का जो सर्कल रेट होता है वो होता है 95% का। मतलब अगर आज आपने एक लिथियम बैटरी को 100 यूनिट से चार्ज करा तो कल की डेट में आप उससे 95 यूनिट्स वापस ले सकते हो, तो केवल 5% का राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लॉस होता है। तो इसी वजह से लिथियम ईवीज के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट बन जाता है। और टेस्ला ने हाल फिलहाल में अपने मॉडल एस के लिए एक नए तरीके की बैटरी को बनाया है जिसका नाम है जेमिनी 001। तो ये वाली बैटरी कोबाल्ट निकल सेल से बनी हुई बैटरी है, मगर इसके अंदर खास बात क्या है कि ये वाली बैटरी टेस्ला मॉडल एस में पहले से भी यूज करता हुआ आ रहा है, मगर पहले जो मॉडल एस की रेंज थी ये नई बैटरी जेमिनी 001 को लगाने के बाद में रेंज हो गई है 200% इंक्रीज। तो अब ये टेस्ला का मॉडल एस चलता है 1200 किलोमीटर। मगर जब इस पे कंपनी से पूछा गया कि सेल बदला या फिर बैटरी का साइज बढ़ाया, तो कंपनी ने कहा कंपार्टमेंट का साइज बैटरी के आप देख लो उतना ही है और सेल भी हमने सेम ही यूज करा है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने उसी सेम साइज के कंपार्टमेंट के अंदर ज्यादा सेल्स ठूस दिए हैं। ठूसने से मेरा मतलब क्या है कि टेस्ला में जब परफॉर्मेंस होती है, जब हम रेस देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, बैटरी का वियर एंड टियर होता है, तो उसमें हीट जनरेट होती है। तो जो टेस्ला की बैटरी होती है उसमें हीट कॉइल ज्यादा लगी हुई होती है। तो अब टेस्ला ने इस नए वाली जेमिनी बैटरी में करा क्या कि इन्होंने हीट कॉइल्स को कम कर दिया और जो एडिशनल स्पेस बचा उसमें और ज्यादा एडिशनल बैटरीज ठूस दी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई और ज्यादा बैटरीज लगा दी तो क्या अब हीट और ज्यादा नहीं बनेगी जब गाड़ी चलेगी। तो यहां पे एक समझने वाली बात आती है कि पहले जो एक सेल काम कर रहा था अब वही काम मिलके दो सेल कर रही हैं, कि अगर बैटरी कैपेसिटी को डबल कर दिया तो यहां पे क्या होता है, जो हीट का रेशियो रह जाता है पर सेल वो केवल 1/4 ही रह जाता है। तो यानी कि ज्यादा बैटरी लगाने से पर सेल कम गर्म होगा क्योंकि उसको उतना आउट परफॉर्म नहीं करना होगा और उसी के साथ साथ वो वाला सेल हीट भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि एक छोटे से हीटिंग सिस्टम से भी अपना काम चल जाएगा। और जो पहले की तरह बहुत बड़ा बड़ा कूलिंग सिस्टम्स लगाने की जरूरत पड़ती थी बैटरी के अंदर, वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे अभी भी काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि परफॉर्मेंस के समय पे जो हीट इंक्रीज होगी, तो जितनी भी ईवीज होती है जब हम उन्हें आउट परफॉर्म करते हैं, मतलब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड में चलाते हैं, तो बैटरी इसको ज्यादा पावर आउटपुट देना पड़ता है। और ज्यादा पावर आउटपुट देने का मतलब है कि ज्यादा हीट जनरेट होना। तो क्लोजली पैक्ड सेल्स के अंदर ये वाली चीज का हो पाना बहुत आम बात होगी। तो इसी वजह से टेस्ला ने अभी अपनी जेमिनी 001 बैटरी को कमर्शियली हर एक व्हीकल के लिए नहीं करा है और उसी के साथ साथ
ज्यादा बैटरी मतलब एडिशनल वेट ऑन द कार, तो इससे क्या होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी कंपार्टमेंट का वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम अमाउंट ऑफ सेल्स को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे टेस्ला की एक रिसर्च से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में हमारे को एक ऐसी बैटरी टाइप चाहिए जो कि दो बैटरीज का कॉम्बिनेशन होगी, जो कि पावर और एनर्जी स्टोरेज दोनों में ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए आती है दोस्तों एक नए तरीके की बैटरी जो कि टेस्ला भी अपने मॉडल्स में डाल रहा है और लैम्बोर्गिनी भी डाल रहा है, उसको हम कहते हैं सुपर कैपेसिटर बैटरी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो इंस्टेंट गाड़ी को पंच चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए वो तो आता है कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर बैटरी की तरह ही काम करता है, मगर उसकी जो लाइफ और एजिंग होती है वो बैटरी की तरह नहीं होती है। तो जो पंची परफॉर्मेंस एक गाड़ी में चाहिए होती है वो कैपेसिटर के थ्रू आ जाती है, और जो गाड़ी के अंदर लॉन्ग टर्म में रेंज चाहिए होती है कि गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी 200, वो आती है एक्चुअल में आपकी लिथियम या फिर कोबाल्ट निकल सेल्स के थ्रू। तो हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है सुपर कैपेसिटर बैटरीज के ऊपर और ये किस तरीके से काम करती है, अगर आप भी ये वाला वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो।